धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज। मैं सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर, शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर, यहाँ मंच पर उपस्थित मेरे पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय जी के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्या साध्वी दीदी के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ मंच पर गुरु रूप में ही उपस्थित सभी अधिकारीगण को नमन करता हूँ। मेरे साथी अध्यापक गण, अध्यापिका बहनों को नमन करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ आज के शुभ अवसर पर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, जो हमारे सबसे बड़े गुरु के रूप में पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि योगपीठ में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गुरु के रूप में हमारे बीच में हैं, तो उनके श्री चरणों में एक कविता निवेदन करना चाहता हूँ। आज अवसर मिला तो इसलिए निवेदन किया कि कविता पाठ करने का मौका मिले। और उन्हीं दो महापुरुषों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हमारे माननीय प्रतिकुलपति जी, पूज्या दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपनी कविता शुरू करता हूँ। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखी है, थोड़ा लय में इधर उधर हो जाए तो क्षमा करेंगे। तुम्हारे चरणों से मेरे गुरुवर, कृपा की धारा छलक रही है। तुम्हारे चरणों से मेरे गुरुवर, कृपा की धारा छलक रही है। तुम्हारे सद्जान और तप की खुशबू, तुम्हारे सद्जान और तप की खुशबू समूचे जग में महक रही है। तुम्हारे चरणों में मेरे गुरुवर, कृपा की धारा छलक रही है। हमें तो कहते हैं लोग माना कि हम तो ना चीज है ना समझ है। परम पूज्य महाराज श्री के संकल्प के साथ इस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। कई बार कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आप तो, आपके दिमाग में तो एक दीवानापन हो गया है। तो हमें तो कहते हैं लोग माना कि हम तो ना चीज है ना समझ है, मगर वो दुनिया को क्या कहेंगे, मगर वो दुनिया को क्या कहेंगे जो तुम्हारी धुन पे थिरक रही है। तुम्हारे चरणों से मेरे गुरुवर, कृपा की धारा छलक रही है। तुम्हारे सद्जान और तप की खुशबू, तुम्हारे सद्जान और तप की खुशबू समूचे जग में महक रही है। तुम्हारे चरणों से मेरे गुरुवर, कृपा की धारा छलक रही है। शरण तुम्हारी में बरसों पहले, शरण तुम्हारी में बरसों पहले के हमने सीखी थी देशभक्ति। परम पूज्य महाराज श्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी एक सर्वोपरि जो भावना है, जो उनके हर एक कार्यक्रम में, हर एक वक्तव्य में दिन रात जो उनके भीतर झलकती है, वो है राष्ट्रभक्ति। और उनका शिष्य हो और राष्ट्रभक्त हो ना हो, उनका शिष्य राष्ट्रभक्त ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो शरण तुम्हारी में बरसों पहले के हमने सीखी थी देशभक्ति, के सबके सीने में आज तक भी, के सबके सीने में आज तक भी उसी की ज्वाला धधक रही है। तुम्हारे चरणों से मेरे गुरुवर, कृपा की धारा छलक रही है। और व्यवस्था कुछ इस तरह से बदली, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके। अगर इन बातों से आपको कोई बात समझ में आए, कोई इशारा समझ में आए तो
थोड़ा समर्थन करना के व्यवस्था कुछ इस तरह से बदली, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके नापाक चाइना और इटली वालों के नापाक चाइना और इटली वालों की रूह अब तक सिसक रही है। तुम्हारे चरणों में मेरे गुरुवर कृपा की धारा छलक रही है। एक अंतिम पंक्ति के साथ अपनी कविता पूर्ण करूंगा। हम अपने पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में जिस पथ पर बढ़ रहे हैं, आज मंगल दिवस है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। एक दशक पहले ऐसी परिस्थितियां देश में नहीं थी। बहुत तप और पुरुषार्थ करके पूज्य महाराज श्री ने, उनके शिष्यों ने देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बड़ा कार्य किया, किंतु अभी भी कार्य बचा हुआ है। आप लोगों के लिए एक संदेश है प्यारे विद्यार्थियों के लिए कि संभल के चलना ए मेरे वीरों, संभल के चलना ए मेरे वीरों, अभी सफर कुछ बचा हुआ है। संभल के चलना ए मेरे वीरों, अभी सफर कुछ बचा हुआ है। बचे हैं दुनिया में कुछ अंधेरे, बचे हैं दुनिया में कुछ अंधेरे, और रोशनी तुम में चमक रही है। तुम्हारे चरणों में मेरे गुरुवर कृपा की धारा छलक रही है। तुम्हारे सदजान और तप की खुशबू, तुम्हारे सदजान और तप की खुशबू समूचे जग में महक रही है। तुम्हारे चरणों से मेरे गुरुवर कृपा की धारा छलक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।